पीएनबी में हुए 11,400 करोड़ रुपए के महा घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। भले ही सरकारी एजेंसियां नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी करके रिकवरी की बात कह रही हो, लेकिन सच तो ये है कि इस महा घोटाले का असर किसी न किसी तरह आम लोगों पर पड़ेगा। इस महा घोटाले का सबसे ज्यादा असर इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो इस घोटाले से बैंक घाटे में जाएगा। इसी के चलते दो दिन में बैंक के शेयर 20% तक गिर चुके हैं। इससे मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए तक घट गया है। पीएनबी के 43% शेयर पब्लिक के पास है, ऐसे में बड़ा नुकसान होने की बातें कही जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा असर बैंकों पर पड़ेगा। पीएनबी द्वारा दिए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर देश के 30 बैंकों ने करीब 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया था, जो रकम अब पीएनबी को चुकानी होगी। यदि पीएनबी घोटाले की रकम भरता है तो बैंक के मुनाफे का 8 गुना ये रकम होगी। आशंका ये है कि यदि ऐसा होता है तो पीएनबी की हालत खराब हो जाएगी। पीएनबी बैंक के डिपॉजिटर्स 10 करोड़ से ज्यादा हैं। हालांकि उन पर इसका असर नहीं होगा, उनके पैसे सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके पैसे की गारंटी सरकार की बनती है। इस घोटाले में दूसरे बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत होने की भी आशंका जताई जा रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।